नमस्ते दोस्तों, क्रिप्टो दोस्त के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज तो आपने देखा होगा कि मार्केट का हाल बहुत बेहाल है। अगर आपने अपने इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक किया होगा तो आपने देखा होगा थोड़ा सा तो आपको जो प्रॉफिट है थोड़ा बहुत कम हुआ ही होगा इस मार्केट में। तो देखिए, आज हालत सब ऑलमोस्ट सारे करेंसी की खराब है। बिटकॉइन हो गया 12,056 करीब डॉलर्स के ऊपर, जो हमने मैंने इंडिया में देखा था। इसका प्राइस 8, 8.5, 9 लाख के आसपास मंडरा रहा था। इथीरियम कितना कम हो गया है, रिपल, सारे कॉइन्स ने हुए 20-15% से सारे कॉइन्स डाउन है। आयोटा, सब अच्छे अच्छे कॉइन्स, ट्रॉन पहुंच गया वापस 6 सेंट पे, 5 सेंट पे भी पहुंचा था ट्रॉन। तो ये देखिए, जनरली सारे मार्केट जो है डाउन है। ऑब्वियस सा क्वेश्चन ये है कि रीज़न क्या है इस मार्केट के डाउन होने का। देखिए दोस्तों, मैं आज सुबह से मैं मार्केट को ट्रैक कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ क्या हो रहा है। मेरे दोस्तों दोस्त भी काफ़ी घबराए हुए थे इस चीज़ को लेके। कुछ लोगों ने ये भी पूछा कि क्या ये बिटकॉइन मार्केट का क्रैश है, या मतलब जनरली फंडामेंटली क्रिप्टो करेंसी मार्केट का क्रैश है। तो मैं बोलूंगा नहीं, अभी तक तो ये क्रैश नहीं लग रहा है मुझे। मुझे ये लग रहा है करेक्शन, एक हेल्दी करेक्शन है। डेफिनेटली थोड़ा ऑब्वियसली एक थोड़ा सा स्ट्रेस आता है जब इतना हम लोग देखते हैं कि सब हर जगह सी ऑफ रेड है, कहीं ग्रीन बेली गए, क्यू कॉइन मुझे कुछ ग्रीन में दिख रहा है, पर बाकी आप सब जगह देखेंगे जनरली लाल ही चल रहा है, जो माहौल ही लाल है। तो चीज़ यह है दोस्तों, तीन फंडामेंटल चीज़ें मुझे लगता है इसके पीछे हैं, जो मैंने आज ट्रैक किया है सुबह, जो मैंने आज सुबह से पढ़ा है इस मार्केट को लेके, लोगों के सेंटिमेंट्स पढ़े हैं, दूसरे यूट्यूबर्स को सुना है, न्यूज़ रिपोर्ट्स पढ़े हैं। तो मैं इसके फंडामेंटली आपको तीन रीज़न बताता हूँ कि ये क्यों हुआ। पहला, ये साउथ कोरिया वाला जो न्यूज़ है, जो मैंने अब जो मैंने जो बात की थी परसों भी इस चीज़ के बारे में, तो ये साउथ कोरिया में अभी भी बैन होने का चांस है। अभी तक ये लोग यही बोल रहे हैं कि पिछले बार जस्टिस मिनिस्टर ने बात की थी, फिर अगले दिन उनके गवर्नमेंट का एक क्लैरिफिकेशन आया था कि नहीं अभी तक ऐसा कुछ नहीं डिसाइड हुआ है। लेकिन उन्होंने ये बोला है कल, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने ये बोला है कि क्रैकडाउन ऑन ट्रेडिंग डिजिटल करेंसीज इज स्टिल अ लाइव ऑप्शन। इसका मतलब ये है कि अभी भी गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन नहीं लिया है और अभी भी रिव्यू चल रहा है उस चीज़ का। ये बात जरूरी है ऑब्वियसली, इस वजह से वो जो मार्केट में बोलते हैं ना फड, फियर अनसर्टेनिटी एंड डाउट, उसका एक माहौल पैदा हो गया। और जब साउथ कोरिया, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि साउथ कोरियन इन्वेस्टमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा है बिटकॉइन में, करीबन एस्टिमेट्स ये है कि 20% ऑफ द मार्केट साउथ कोरियन करेंसी की वजह से चलता है। तो ऑब्वियसली अगर साउथ कोरिया में कुछ ऐसा बड़ा डिसीजन आता है तो लोग वहाँ से घबरा के पैसे अपने निकालेंगे क्रिप्टो करेंसी मार्केट से। तो एक रीज़न इसका ये एट्रीब्यूट करा कि गवर्नमेंट ने तो क्योंकि एक स्टैंड ले लिया नहीं है और लेके, और ये भी बोला है कि बैन भी हो सकता है, तो इस वजह से थोड़ा सा एक माहौल में डर है, इसीलिए उन्होंने शायद इन्वेस्टर्स ने वहाँ के पैसे निकाले हैं। दूसरा ये भी चल रहा है कि रेगुलेटरी तो अभी जो है थोड़ा सा मार्केट खराब ही चल रहा है। तो ये देखिए, चाइना ने भी बोला है, चाइना ने और क्रैकडाउन अपना बढ़ाया है। चाइना में तो एक्सचेंज वैसे भी बैन ही है, पर अभी ये भी चल रहा है कि जो अभी लोग अभी जो थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर भी रहे हैं वहाँ पे थ्रू दूसरे डिफरेंट मोबाइल ऐप्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, वहाँ पे भी ये चल रहा है कि चाइनीज रेगुलेटर्स चाह रहे हैं कि वो भी लोग ना करें। तो ये भी एक बड़ी बात है। ये देखिए, लोगों न्यूज़ में ये कहा है, चाइनीज गवर्नमेंट प्लान्स टू ब्लॉक डोमेस्टिक एक्सेस टू लोकल एंड ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स दैट प्रोवाइड सेंट्रलाइज्ड ट्रेडिंग। ये देखिए, ब्लूमबर्ग का एक रिपोर्ट है। ऑफिशियल्स आर ऑल्सो टारगेटिंग पीपल हु प्रोवाइड ट्रेडिंग सर्विसेज लाइक मार्केट मेकिंग एंड अदर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बात यह है दोस्तों कि चाइना में भले ही ट्रेडिंग को लेके बैन है, फिर भी लोगों ने तरीके ढूंढ लिए हैं वहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करने के। तो गवर्नमेंट क्या कोशिश कर रही है कि और एक टाइट ग्रिप लाना चाह रही है। गवर्नमेंट, चाइनीज़ गवर्नमेंट तो आपको पता ही है काफ़ी टाइट ग्रिप रखती है वहाँ पे। तो बहुत सारे हमारे जो रेगुलर वेबसाइट्स हैं, फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, उसको भी एक्सेस करना मुश्किल है। तो ऑब्वियसली चाइना में, सिंस चाइना बहुत सारा जो है मार्केट में पैसा डालता है, चाइनीज़ इन्वेस्टर्स पैसा डालते हैं, तो जितना आप चाइना, कोरिया ऐसे कंट्रीज़ को आप दबाएंगे, वहाँ रेगुलेटर जितना वहाँ पे आप लोगों को आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, उतना तो इस मार्केट में एक डर तो पैदा होगा, राइट? क्योंकि मैंने आपको ये कहा है, एशिया में जापान, साउथ कोरिया, चाइना, यहाँ से बहुत पैसा डलता है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। तो यहाँ पर कुछ भी होगा तो इस चीज़ का फ़र्क तो डेफिनेटली आपको पड़ेगा। तो ये जो दो कंट्रीज़ का स्टैंड रहा है, साउथ कोरिया और चाइना का, चाइना ने तो खैर बैन कर दिया, साउथ कोरिया ने कहा है कि वो बैन करेगा। तो ये एक बात है जो मुझे लगता है इस चीज़ को आज इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि आज प्राइसेस डाउन थे। दूसरी बात ये है कि यूएस में अभी बिटकॉइन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट चलता है। तो फ्यूचर्स बेसिकली, एक ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, अगर आपको स्टॉक मार्केट में या अगर आपने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में कभी अगर ट्रेड किया तो आपको पता होगा फ्यूचर्स के बारे में। तो फ्यूचर्स बेसिकली एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है जिसका जो वैल्यू है वो अंडरलाइन डेरिवेटिव से डिराइव करता है। तो इस केस में डेरिवेटिव जो है वो बिटकॉइन है। तो बिटकॉइन के प्राइस फ्लक्चुएशन को लेकर लोग बेसिकली स्पेक्यूलेट करते हैं। तो आप ये स्पेक्यूलेट कर सकते हैं कि आगे जाके बिटकॉइन का प्राइस बढ़ेगा, आप ये भी स्पेक्यूलेट कर सकते हैं कि आगे जाके बिटकॉइन का प्राइस कम होगा। तो ये है कि अगर आप
अगर समझिए आपको ऐसा लगता है कि आगे जाके बिटकॉइन का प्राइस गिरेगा, तो आप एक शॉर्ट फ्यूचर्स पोजीशन ले लेते हैं। तो उसमें ये हो जाता है कि अगर आप शॉर्ट करते हैं तो आप प्रॉफिट तब करते हैं जब वो प्राइस आगे जाके डाउन होगा मार्केट में, राइट। तो इसी विषय में मैं थोड़ा सा, ये देखिए एक आर्टिकल है ऑल यू नीड टू नो अबाउट, तो ये जो बिटकॉइन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हुआ था उसके बारे में आर्टिकल है। तो मैंने एक जगह पे ये इंटरेस्टिंग एक कमेंट पढ़ा था, आई थिंक यूट्यूब में या ट्विटर में मैंने ये कमेंट पढ़ा था। तो कमेंट में लिखा ये था कि बिटकॉइन जो है मेजोरिटी अभी भी कुछ चंद लोगों के पास ही है, मतलब 1,000 लोग करीबन 40% पूरे दुनिया का जो बिटकॉइन है वो ओन करते हैं, राइट। तो ये हो रहा है कि उसमें जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है वो लोग क्या करते हैं कि एक फ्यूचर्स में वो लोग एक शॉर्ट पोजीशन बना लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो लोग तब प्रॉफिट करेंगे जब फ्यूचर्स में आगे जाके बिटकॉइन का प्राइस नीचे गिरेगा, राइट। तो वो लोग क्या करते हैं कि उनके पास बहुत सारा पैसा होता है, राइट। तो वो लोग ये करते हैं कि बिटकॉइन वो है जो खरीदना चालू कर देते हैं, बिटकॉइन ले लीजिए, क्रिप्टो करेंसी ले लीजिए, वो क्या करते हैं बहुत सारी ये जो करेंसीज है उनको अक्यूमुलेट करना चालू करते हैं। ये कब वो लोग करते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी के पहले, हर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की एक एक्सपायरी होती है और उस एक्सपायरी के पहले वो लोग बहुत सारा बिटकॉइन खरीदने लगते हैं। उससे ये होता है कि बिटकॉइन का जो प्राइस है वो मार्केट में ऑब्वियसली बढ़ता है, राइट। और जब बढ़ता है बिटकॉइन का प्राइस, उसके बाद वो क्या करता है, सडनली उसको डंप कर देते हैं, उसको सडनली जाके मार्केट में बेच देते हैं एक्सपायरी के पहले। तो ऑब्वियसली जब एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर, मैं ये छोटे मोटे इन्वेस्टर्स के बारे में बात नहीं कर रहा, हम लोग जो 15-20 हज़ार डॉलर है उसकी बात नहीं कर रहा, ये बिलियंस बिलियन ऑफ डॉलर्स में ये इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग बिटकॉइन और बाकी ऑल्ट कॉइन जाके मार्केट में बेच देते हैं। उस वजह से क्या होता है कि मार्केट सडनली टैंक हो जाता है। सडनली देखिए, अगर आप मार्केट से 10-20-30 डॉलर 10-20-30 मिलियन या 100 मिलियन के आसपास अगर सडनली गिर गया मार्केट कैप, तो ऑब्वियसली मार्केट से अगर पैसा हटेगा तो ऑब्वियसली मार्केट डाउन होगा। तो यही कुछ ऐसा मैकेनिज्म है जो जो बहुत सारे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो यूज़ करते हैं। हमारे स्टॉक मार्केट में भी होता है ये चीज़। तो इस वजह से वो लोग क्या करते हैं, उनको एक तो कॉइन के इंडिविजुअल प्रॉफिट से भी गेन होता है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, खरीदते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट, तो ऑब्वियसली कॉइन का प्राइस बढ़ता है, तो वो लोग बेच के कॉइन में भी प्रॉफिट कमाते हैं। और उन्होंने जो फ्यूचर्स में अपना पोजिशन शॉर्ट किया हुआ है, शॉर्ट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट रखा हुआ है उन्होंने अपना पोजिशन, उस वजह से वो प्रॉफिट में भी आता है। और फिर वो लोग आगे जाके क्या करते हैं कि वापस वो लोग क्या करते हैं, जब मार्केट गिरता है तो फिर वो लोग बिटकॉइन को वापस पिकअप करते हैं, फिर नए नए पोजिशन लेते हैं वो लोग फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के साथ। तो ये एक बहुत बड़ा खेल है दोस्तों, हमारी समझ के थोड़ा बाहर है कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ऐसे भी खेल खेलते हैं। तो इन इन चीजों का तो हम कुछ नहीं कर सकते। तीसरा जो एक इंटरेस्टिंग थीरी आया ये था कि ये जो है ये चाइनीज न्यू ईयर है। अगर आपको याद होगा दोस्तों, मैंने एक वीडियो भी बनाया था इस चीज के ऊपर, एक क्रिप्टो अपडेट मैंने दिया था कि क्रिसमस और न्यू ईयर के टाइम पे थोड़ा सा जो था मार्केट डल था या मार्केट थोड़ा सा डिप हुआ था। उसका रीजन ये है कि लोग, छुट्टी का सीजन होता है, लोग बेचते हैं अपने कॉइन्स, लोग शायद प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो चाइना, सिंस मैंने कहा कि एशियन मार्केट जो है काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट करता है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, तो ये देखिए, ये एक रेडिट का थ्रेड मिला मुझे, उसमें यह कहा कि एशिया स्टिल डोमिनेट्स इन क्रिप्टो ट्रेडिंग में वॉल्यूम। ये देखिए, बोले एशिया कितना बड़ा है, वॉल्यूम से एशिया डोमिनेट करता है इवन मोर देन अमेरिका और यूरोप। तो ये देखिए, उन्होंने कहा है कि लूनर न्यू ईयर आने वाला है, तो लॉट्स ऑफ मनी इज फ्लोइंग बैक टू फियाट। फियाट मतलब वहां का करेंसी हो गया, साउथ कोरियन करेंसी, चाइनीज करेंसी, येन, युआन वगैरह। उसमें क्या होता है, लोग कन्वर्ट करने लग जाते हैं, राइट, और पैसा वो लोग स्पेंड करते हैं, तो वो लोग पैसा ऑब्वियसली प्रॉफिट अपना बुकिंग करते हैं। तो क्या होता है, इतने सारे लोग जब प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, एक फोर्ब्स का आर्टिकल भी देना था कि वर्ल्ड लार्जेस्ट ह्यूमन माइग्रेशन बिगिंस एट चाइनीज न्यू ईयर, तो मतलब चाइनीज न्यू ईयर में काफी ट्रैवलिंग होता है, लोग पैसा खर्च करते हैं। तो वो लोग ये बोल रहे हैं कि चाइनीज न्यू ईयर के टाइम पे हमेशा ये गिरता ही है। और आप अगर जाके ट्विटर पे देखेंगे और आप जाके अगर थोड़ा सा गूगल सर्च करेंगे तो आपको ये मिलेगा अभी, कि लोगों ने एक अब ग्राफ्स वगैरह पोस्ट किए हैं कि कैसे हर साल जनवरी में चाइनीज न्यू ईयर के टाइम पे ये हमेशा होता है कि लोग सेल ऑफ करते हैं, लोग बेच के प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, इसीलिए थोड़ा सा जो मार्केट गिरता है। तो ये चीज़ एक है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग थ्योरी लगा, मुझे नहीं पता अब इसमें क्या सही है, ये सही है कि नहीं, कि चाइनीज न्यू ईयर इतना अकाउंट कर सकता है क्या कि पूरा मार्केट गिर जाए। अभी रात को भी देखना पड़ेगा कि यूरोप और अमेरिका में क्या एक्शन हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जरूरी है। देखिए, अमेरिका में तो थोड़ा बहुत अभी शुरुआत हो चुकी है ट्रेडिंग की, तो अभी तो मार्केट रिकवर नहीं किया है, तो हो सकता है ये भी रीज़न हो। डेफिनेटली एशिया से जो है काफ़ी इम्पैक्ट हो रहा है मार्केट में। देखिए लो दोस्तों, एक और बात यह है कि क्रिप्टो मार्केट इज एंटीथेटिकल टू द स्टॉक मार्केट, मतलब स्टॉक्स और क्रिप्टो मार्केट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक दूसरे। तो स्टॉक्स जो है हॉलीडे सीजन में बूम करते हैं क्योंकि लोग ज्यादा चीजें खरीदते हैं, बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं पैसा। क्रिप्टो इन्वेस्टर्स में क्या होता है कि क्रिप्टो इन्वेस्टर्स रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, तो हॉलीडे में वो पैसा बाहर निकलता है। तो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स और वॉल स्ट्रीट इन्वेस्टर्स दो अलग चीजें हैं, तो इनका काफी फर्क पड़ता है।
तो दोस्तों ये तो हमने देख लिया कि कौन से वो तीन मेजर फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से शायद आज मार्केट के प्राइसेस पे फर्क पड़ा। ये तो नहीं, पक्का नहीं कह सकते कि इनमें से कौन सा फैक्टर प्ले में था। मुझे पर्सनली लगता है कि ऑब्वियसली गवर्नमेंट्स के जो एक्शन है, रेगुलेटरी एक्शन जो है, उसका सबसे ज़्यादा फर्क पड़ा होगा। बाकी दोनों शायद थोड़ा थोड़ा उन चीज़ों का भी फर्क पड़ा होगा, लेकिन फंडामेंटली मुझे लगता है गवर्नमेंट्स का जो एक एक जो रेगुलेटरी एक अनसर्टन एनवायरमेंट बन गया, उसका डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है इस चीज़ पे। पर अब ये क्वेश्चन ही है दोस्तों कि क्या किया जाए, अब ऐसे मार्केट में किया क्या जाए। तो मैं ये बोलूंगा दोस्तों, अगर आपने इन्वेस्टमेंट उतना कर दिया है ऑलरेडी जिसमें आप कंफर्टेबल हैं कि मतलब आप, हाँ, इससे ज़्यादा आप आगे लूज नहीं कर सकते, तो मैं बोलूंगा कि आप होल्ड कीजिए इन्वेस्टमेंट्स को। अगर आपने और इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, देखिए प्रेशर में आके और इन्वेस्ट मत कीजिए। अगर आपने ऑलरेडी उतना इन्वेस्ट कर दिया जितना कि आप, अब इससे ज़्यादा अनकंफर्टेबल स्पेस में आप चले जाएंगे, तो अब और आप इन्वेस्ट मत कीजिए। अगर आप अभी और फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स डालना चाहते हो तो ये समय बहुत अच्छा है दोस्तों। ये देखिए मार्केट के प्राइसेस शायद आपको नहीं मिले, देखिए पक्का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, देखिए कोई पक्का नहीं कह सकता कि मार्केट में होने क्या वाले, लेकिन ये इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स प्रोजेक्ट्स जो है मेरे को मिल रहे हैं इतने सस्ते में। आयोटा आज आप मानेंगे नहीं, 256 के आसपास चला गया था उसका प्राइस, $2.56 या उसके आसपास कुछ गया था प्राइस, मुझे ठीक से याद नहीं एग्जैक्ट अमाउंट, पर ये देखिए $3 के आसपास आयोटा मिल रहा है हमको। कितने अच्छे अच्छे कॉइन्स, ट्रॉन में अगर आपको फ्रेश पोजिशन देने तो 6 सेंट अच्छा प्राइस है। देखिए ये बात है, देखिए ट्रॉन, जैसे मैं ट्रॉन का एग्जाम्पल लूँ तो 6 सेंट पे वो प्राइस था, राइट? और हमने ये देखा कि ट्रॉन अपना हाईएस्ट पे 28 सेंट तक जाके आ गया। तो देखिए अगर एक बुल मार्केट आता है तो मैं ये आशा तो करता हूँ कि ये कॉइन्स अपने इंडिविजुअल हाईस को तो फिर से छूने का पोटेंशियल रखते हैं। तो अभी अगर आपने इस समय ट्रॉन लिया और अज्यूम ये करते हुए कि वो बुल मार्केट पर वापस जाएगा, अगर वो 28 सेंट की ओर टच करता है तो डेफिनेटली आपका इन्वेस्टमेंट 4x हो गया। सिंपल, राइट? 6 सेंट हो गया और 28 सेंट पहुंच गया, तो थोड़ा 4x से ज़्यादा ही आपका इन आपका जो इन्वेस्टमेंट, आपका प्रॉफिट पोटेंशियल बढ़ेगा। तो ये इस तरह की थिंकिंग है जो मुझे पर्सनली लगता है कि ऐसे मार्केट में हमें शॉपिंग करनी चाहिए। वॉरेन बुफे का एक कमेंट है कि जब लोग घबराएं तो आप खरीदिए। तो वॉरेन बुफे जो बड़े स्टॉक इन्वेस्टर, उनका ये है कि व्हेन व्हेन आप व्हेन देर इज अ पैनिक यू हैव टू बाय दैट टाइम, राइट? एंड व्हेन देर व्हेन पीपल आर यूफोरिक दैट टाइम यू सेल। सो यही बात है कि अगर लोग बहुत डर रहे हैं तो ये बेस्ट टाइम होता है, बेस्ट टाइम होता है उठाने का कोई भी करेंसी, कोई भी स्टॉक, बिकॉज जनरली उसके बाद एक बुल मार्केट या एक मार्केट वापस रिकवर करता ही है। तो ये देखिए कितने अच्छे अच्छे कॉइन मैंने आज सुबह क्या किया दोस्तों, मैंने आज एक पोजिशन लिया, मैंने आज कॉर्न स्टैम्प खरीदा। कॉर्न स्टैम्प एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, देखिए अभी 94th नंबर पे कॉइन है, बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। देखिए वन ऑफ द फ्यू करेंसी जो आज ग्रीन में है, जिसने आज रिकवरी मारा 24 आवर्स के अंदर, जो एक कॉइन करेंसी है जिसने रिकवर किया, क्योंकि कॉर्न स्टैम्प है इतना प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट, आई एम श्योर लोगों ने वही सस्ते हैं। तो कॉर्न स्टैम्प को अगर आप इंडिविजुअली देखें, अगर अभी प्राइस कुछ 43 सेंट्स के आसपास चल रहा है, तो कॉर्न स्टैम्प मैंने क्या किया दोस्तों, ये देखिए इसका हाई था मैक्सिमम 0.798 के आसपास, इसका हाई था, 8 को ब्रीच करके आया है और आज नीचे गिर गया था वो 29 के आसपास, 29 तक चला गया। तो मैंने क्या किया दोस्तों, मैं उसका प्राइस एक्शन जो ऑब्जर्व कर रहा था और मैंने उसे 34 सेंट्स के आसपास मैंने कॉर्न स्टैम्प को फिर से खरीद लिया और अभी मैं ऑलरेडी मेरे को 10 सेंट का उससे वैल्यू मिला। मैंने एक छोटा सा पोजीशन लिया, ज़्यादा नहीं इन्वेस्ट किया मैंने, बिकॉज देखिए दोस्तों अभी ये बात है कि आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये हमारे कंफर्ट के ऊपर है। अब कितना इन्वेस्ट कर, अगर आपको कंफर्टेबल है तो आप 20-25 हज़ार डालिए, अगर आपको ज़्यादा कंफर्टेबल, अगर आप ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है तो 3,000-4,000 डालिए। तो ये चीज़ें डिपेंड करेंगे आपके खुद के रिस्क लेवल के ऊपर, आपके खुद के कंफर्ट के ऊपर। ये टाइम अच्छा है दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, मैंने आपको 3-4 प्रोजेक्ट्स के ऑप्शन कल परसों दिया था वीडियो में। कॉर्न स्टैम्प अच्छा प्रोजेक्ट है, तो फिर अगर आप देखेंगे आयोटा, तो मैंने आपको हमेशा बोलता हूँ मैं आयोटा अच्छा प्रोजेक्ट है ही। फिर अगर हम नेक्स्ट नेक्स्ट 100 में देखिए, कॉबिन हुड एक अच्छा कॉइन है जो शायद थोड़े बहुत पैसे आपके लिए बना सकता है। IoT यूबी का अच्छा प्रोजेक्ट, तो सारे जो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आप देखेंगे। ऐप कॉइन्स अभी रिसेंटली लिस्ट हुआ है, अच्छा प्रोजेक्ट है, 34.45% डाउन है, ऐप कॉइन्स अच्छा प्रोजेक्ट है। तो मैं यही बोलूंगा दोस्तों कि टाइम अच्छा है लेने का। आप ये भी कर सकते हैं कि आज थोड़ा डालें, कल थोड़ा डालें, देखिए मार्केट क्या कैसे रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि मार्केट का तो ऐसे कोई गैस नहीं कर सकता कि मूवमेंट क्या होगा। मैं बोलूँगा थोड़ा थोड़ा देखिए, थोड़ा डालिए, आज थोड़ा डालिए, कल थोड़ा डालिए, थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कीजिए। टाइम डेफिनेटली बहुत अच्छा है इन्वेस्ट करने का। इन्वेस्टमेंट का प्लीज़ रिसर्च आप खुद कीजिएगा, आप मेरे बोलने में मत जाइएगा। देखिए मार्केट ऐसा, क्रिप्टो करेंसी मार्केट एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता। कल को अगर सारे गवर्नमेंट्स बैन कर देते हैं तो ये भी हो सकता है कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट पूरी तरह क्रैश हो जाए दोस्तों। सिर्फ प्लीज़ 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 प्लीज़, मेरे कई दोस्त पूछ रहे थे क्या हम लोन ले लें, क्या हम अपने बैंक FDs तोड़ दें, क्या हम स्टॉक्स बेच दें। मैं बोलूँगा ऐसा कुछ मत कीजिएगा दोस्तों, प्लीज़ उतना ही इन्वेस्ट करें जितना आपके पास एक्सेस पड़ा हुआ है कैश। अगर आप ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद कल को जाके
क्रिप्टो करेंसी मार्केट पूरी तरह क्रैश होता है तो ये अच्छा नहीं लगेगा आपको दोस्तों, तो उतना ही इन्वेस्ट करें जितने आप कंफर्टेबल रहें। ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, प्लीज़ दोस्तों इसके बोलने का एक बहुत बड़ा लॉजिक है। मैं ये नहीं चाहता कि हमारे जो चैनल के व्यूअर्स हैं वो कुछ किसी भी तरह लॉस में जाए, किसी भी तरह किस तरह के डिस्कम्फर्ट में जाए दोस्तों। ये बात प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा इन्वेस्ट करने के पहले। मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, आप प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी बात करें इन्वेस्ट करने के पहले। थैंक यू वेरी मच।